हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज का दोस्तों हमारा लेक्चर होगा ये यूपीएससी करंट अफेयर 2021-22 के लिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं वहां से रिलेटेड होगा। अगर जो हम कोविड-19 पर अगर जो काफी सारी डिटेल में बात करें तो कोविड-19 से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे N95 मास्क आपका है क्या, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, और कोविड-19 के बारे में कहां कहां से जो है एक प्रकार से किस किस के बीच में जो है एक प्रकार से दूसरे देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि कौन सा देश कहां से एक प्रकार से दवाओं का आयात और निर्यात कर रहा है, तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कोरोना का जो है स्तर बढ़ रहा है तो वो किस कारण से, वायरस के बारे में डिटेल में जो है आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कि अब हम यहाँ पे टॉपिक पे अपने क्वेश्चन पे डिस्कस करने की बात करेंगे, तो जो क्वेश्चन हमारा है वो कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो है कोविड महामारी के समय जो है आपदा के अवसर बदलने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के निम्नलिखित स्तंभों में क्या होगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्तंभों में आत्मनिर्भर भारत अभियान में क्या होगा, तो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है अवसंरचना दे रहे हैं, तीसरा प्रौद्योगिकी दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, और फिर गतिशील जनसंख्यिकी दे रहे हैं, वाइब्रेंट डेमोग्राफी दे रहे हैं या मांग दे रहे हैं। तो यहाँ से जो आपके ऑप्शन दे रहे हैं, पहले का 1 और 2 है, दूसरे का 3 और 4 है, सॉरी 5 है, और दूसरे का 3 और 5 है, तीसरे का 1, 2, 3 है, चौथे का जो दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत में जो है कोविड-19 महामारी के समय आपदा के अवसर में बदलने के लिए जो आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर होकर के रहिए, अभियान शुरू किया गया है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो किन स्तंभों पर खड़ा होगा, मतलब कौन कौन से स्तंभ हैं जिन पे लिए एक प्रकार जिन स्तंभों पर यह खड़ा होगा। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो अर्थव्यवस्था पे तो खड़ा ही है, और अवसंरचना नहीं होगी तब भी वो चल नहीं पाएगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगी तब भी वो आत्मनिर्भर भारत अभियान एक प्रकार से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं जब तक टेक्नोलॉजी जो है अच्छी नहीं होगी। गतिशील जनसंख्यिकी, जनसंख्यिकी का मतलब यहाँ पे इससे है कि जनसंख्या का जो है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ जो है जुड़ना, तो जुड़ाव नहीं होगा तब भी ये जो है एक प्रकार से उतना अच्छा काम नहीं करेगा, तो जनसंख्या का जुड़ना भी इससे जो है एक प्रकार से बहुत ही वहां पे है। ये जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान चल नहीं पाएगा, और मांग अगर जो नहीं है तो भी ये आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, और अगर जो मांग आ ही नहीं रही है तो एक हिसाब से वो जो है चीजें वहां पे बिक्री उसकी नहीं हो सकती है, तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान वहां पे भी फेल हो जाएगा। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान की अगर जो बात करें तो यहाँ से जो डी वाला जो ऑप्शन हमारा बनता है वो 1, 2, 3, 4, 5 ये चारों जो है, फोर्थ ऑप्शन जो है डी वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन अगर जो हम बात करें, कह रहे हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथनों पर विचार कीजिए, किन कथनों पे हमको विचार करना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत जो है 142वें स्थान पर है। ये सूचकांक जो है प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का प्रथम संस्करण 2008 में प्रकाशित किया गया था। तो कहने का मतलब है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर जो बात करें तो ये जो है इसमें ऑप्शन आपका दे रहे हैं कि ए पहला और दूसरा सही होगा, बी दूसरा तीसरा सही, केवल 3 सही होगा, और सी यहाँ पे 2 और 3 दोनों सही होंगे, और डी जो आपका दे रहा है वो 1, 2, 3 ये सही होंगे।
तो यहाँ से जो आपको देखने को मिल रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें 2020 ईस्वी में भारत जो है 142वें स्थान पर पहुंच गया है, ये बात बिल्कुल सत्य है। भारत जो है वो 42वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूचकांक में प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ये जो है एक प्रकार से गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ये भी एक प्रकार से बिल्कुल काफी हद तक सत्य है कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक गैर सरकारी संगठन है, उसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। विश्व प्रथम प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम संस्करण जो है 2008 में किया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है कि 2008 में इसको जारी किया गया था, तो ये जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन इसका आएगा एक और दो, ये दोनों सही हो। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर जो बात करें तो ये 180 देशों का एक प्रकार से मतलब 180 देश इसमें जो है सम्मिलित हैं, और 2020 में 142वें स्थान पर जो है भारत रहा है। इसके पहले भारत का स्थान की अगर जो बात करें तो वो 140वें स्थान पर था, और 2002 में जो है इसका जो है पहला संस्करण जारी किया गया था और 2008 में नहीं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है अंतरराष्ट्रीय प्रेस संस्थान से रिलेटेड है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सा सही होगा, इसके बारे में आपको बताना है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1950 ईस्वी में की गई थी। अंतरराष्ट्रीय प्रेस संस्थान के संदर्भ में आपको बताना है कि इसकी स्थापना जो है 1950 में की गई थी, और उसके बाद कह रहे हैं कि इसे जो है यूरोपीय परिषद के साथ परामर्श का दर्जा दिया गया है। इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में स्थित है, और ये संस्थान जो है विश्व भर में 120 से अधिक सदस्य हैं इसके। तो कहने का मतलब इसका पहला ऑप्शन 2 और 3 है, दूसरा ऑप्शन 1, 2, 4 है, तीसरा ऑप्शन 3 है, चौथा ऑप्शन में चारों सही है क्या? इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता है। और इसे जो है यूनेस्को और यूरोपीय परिषद के साथ जो है परामर्श का दर्जा दिया गया है, ये भी क्वेश्चन सही हो जाता है। और इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है, ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके बारे में अगर जो हम कुछ थोड़ा बात करें तो ये वर्ष 1950 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए और उसकी रक्षा करने तथा पत्रकारिता की प्रथा को सुधारने हेतु 15 देशों के 34 संपादकों ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में एकत्र होकर के इस वैश्विक संगठन का जो है गठन किया था। वर्ष 2020 ईस्वी में इसकी 17वीं वर्षगांठ एक प्रकार से मनाई गई, और इसका जो मूल सचिवालय था 1951 ईस्वी में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है ज्यूरिख कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड, याद रखना, स्थापित किया गया। जिसे वर्ष 1976 ईस्वी में लंदन किया गया, फिर वर्ष 1992 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थापित कर दिया गया। तो इस प्रकार से इसका एक प्रकार से अब मुख्यालय कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है वहाँ पे इसका मुख्यालय है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। इस संस्थान के विश्व भर में 120 से अधिक सदस्य देश हैं, 120 से अधिक सदस्य देश हैं, ये वाला भी क्वेश्चन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाए जाने का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को प्रभाव में आया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय राष्ट्रीय पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, मतलब संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन
जो आपका ऑप्शन मिलता है, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाता है वो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाते हैं। 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस की जो है एक प्रकार से स्थापना मतलब दिवस मनाए जाने के कारण मतलब मनाए जाने के कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है वो किया गया था। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को ये प्रभाव में आया था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बारे में आप भी जान पढ़े होंगे कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। मतलब इसके द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन में। तो ये जो है दोनों क्वेश्चन जो है यहाँ से सही हो जाते हैं। आरोग्य सेतु ऐप जो है चालू किया गया था उसके बारे में ये क्वेश्चन है कि आरोग्य सेतु ऐप है क्या। इस ऐप को सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी के जरिए तैयार गूगल प्ले स्टोर से पर लॉन्च किया गया है। ये और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य जो है COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों एवं उपायों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना है। यह ऐप 22 भाषाओं में उपलब्ध है, साथ ही इसमें जो है सभी राज्यों के हेल्पलाइन नंबरों की जो है सूची भी दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन कौन सा सही है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका 1-3 हो जाता है, दूसरा ऑप्शन बी 1-2 हो जाते हैं, तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और डी ऑप्शन जो हो जाता है 1-2-3। यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके दिख रहे हैं कि सही है। तो कहने का मतलब है कि इस ऐप को जो है सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी के जरिए गूगल प्ले स्टोर से जो है वो लॉन्च किया था। ये बिल्कुल क्वेश्चन सही हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और दूसरा जो आपका यहाँ पे बात कह रहे हैं कि इस ऐप का उद्देश्य COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों को उपाय के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है, ये भी क्वेश्चन सही हो जाता है। 22 भाषाओं में ये उपलब्ध है, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है, ये 22 भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। ये 11 भाषाओं में जो है ऐप उपलब्ध कराया गया था, COVID-19 के बारे में जागरूकता प्रदान करता है एक प्रकार से, और लोगों में एक प्रकार से ये बताता था कि कौन कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, उसकी जो है रजिस्ट्रेशन करवाया जाता था इस ऐप पर, और उसकी स्थिति को बताता था कि कौन को कहां पे कितने लोग जो है कोरोना पॉजिटिव हैं। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए कि 164 संविधान संशोधन जो 100 मतलब अनुच्छेद 164 दिया संविधान संशोधन नहीं के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की जो है सलाह पर की जाएगी। अगला जो वो कह रहे हैं कि 164(2) जो बताया गया है के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दे रहे हैं 1 और 2, दूसरा जो ऑप्शन दे रहे हैं 2, और तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 ना तो ये जो है डी ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये जो है 100% सही है कि 164(1) जो है के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी, अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ये तो बिल्कुल सही है, और इनसे क्वेश्चन आप ध्यान रखना, मोटे मोटे तौर पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे 164 यहाँ पे दे दिया गया तो ये किससे रिलेटेड हो सकता है, ये राज्यपाल या मुख्यमंत्री से ही रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेट की बात हो रही होगी। 52 से लेकर के 151 तक जो है एक प्रकार से यहाँ पे स्टेट की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखना कि
ये क्वेश्चन जो है स्टेट से है, तो स्टेट्स गवर्नमेंट की बात की जा रही होगी, तो ये स्टेट ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई जरूरी नहीं कि इनके बारे में आपको पता ही हो कि 164 जो है वो इससे संबंधित है। ध्यान रखना यहाँ मुख्यमंत्री है और राज्यपाल है, यहाँ पे भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल है, तो ऐसे क्वेश्चन मतलब रख दिए जाते हैं कि राज्य की जैसे मंत्री परिषद है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य के बारे में बात कर रहे हैं या केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको ये अनुच्छेद के बारे में पता ही हो। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाता है वो सी वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की योजना है? कौन सा राज्य है जहां पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की योजना बनाई है? पहला ऑप्शन आपका जो है वो छत्तीसगढ़ हो जाता है, दूसरा ऑप्शन हो जाता है मध्य प्रदेश हो जाता है, तीसरा राजस्थान हो जाता है, चौथा जो हो जाता है वो बिहार हो जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो सेवन का जो है वो ए सही होगा, छत्तीसगढ़ जो है राज्य है वहां पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो मृदा कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना की शुरुआत जो है 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरत से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो है 2 वर्ष के अंतराल में जो है किसानों के मृदा कार्ड वितरित किए जाएंगे। ये कार्ड जो होंगे किसानों के स्वास्थ्य एवं उर्वरता संबंधी सुधार एवं आवश्यक पोषक तत्वों के उचित मात्रा के साथ साथ किसानों की मिट्टी एवं पोषक तत्वों की जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन 1, 2, 3 तीनों सही होते हैं और दूसरा दे रहे हैं कि केवल तीन सही हो रहा है, तीसरा दे रहे हैं कि सी 1 और 2 दोनों सही हो रहे हैं, चौथा कह रहे हैं डी का कह रहे हैं 2 और 3 दोनों सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो सही होता है 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाते हैं कि ये योजना 19 जनवरी 2015 ईस्वी को राजस्थान के सूरतगढ़ में शुरू की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य है 2 वर्ष के अंतराल में जो है किसानों को मृदा कार्ड वितरित किए जाएंगे, ये भी बिल्कुल बात सत्य है। और ये कार्ड जो है किसानों को मृदा स्वास्थ्य और इसकी उर्वरता सुधार के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा के साथ साथ किसानों की मिट्टी एवं पोषक तत्वों के स्थिति के की जानकारी प्रदान करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो याद रखना ये राजस्थान राज्य ने शुरू की है। कहाँ से शुरू की गई है? राजस्थान राज्य के सूरतगढ़ से। कब शुरू की गई थी? ये 19 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। हर 2 वर्ष के अंतराल में ये योजना किसानों के लिए मृदा कार्ड वितरित करती है। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन सही हो जाता है वो ए सही हो जाता है, 1, 2, 3 तीनों सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के हिंद महासागर आयोग ने IOC इंडियन ओशियन कोऑपरेशन कह रहे हैं कि हाल ही में जो है वो भारत ने क्या किया है, हाल ही में जो है भारत को हिंद महासागर आयोग IOC के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है, पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। 6 मार्च 2020 को आयोजित की गई IOC की 34वीं मंत्री स्तरीय बैठक में भारत को पर्यवेक्षक का जो है दर्जा दिया गया है, भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा जो है दिया गया है। हिंद महासागर आयोग जो है एक सरकारी अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर सागरी अभियान की दिशा में कार्य करता है। तो यहां से जो आपका क्वेश्चन सही होता है,
कहने का मतलब है पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा, दूसरा दोनों सही हैं। 6 मार्च 2020 को जो है इंडियन ओशियन आईओसी ने जो है एक प्रकार से आईओसी की जो है 34वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता है। हिंद महासागर आयोग की जो एक प्रकार से एक अंतर सरकारी संगठन है, मतलब जितनी भी क्रियाविधि होती है वो अंतर सरकारी संगठन की, वो गवर्नमेंट के अंडर में कराई जाती है, तो ये अंतर सरकारी हुई है जो दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में है। ये भी बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम महासागर क्षेत्र में बेहतर सागरीय अभियान की दिशा में कार्य कर रही है, ये भी सही हो जाता। रिसेंट में अगर जो हम हिंद महासागर आयोग के बारे में बात करेंगे तो हिंद महासागर आयोग में ये कुछ अभी नए देश ऐड हुए हैं जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। कोमोरोस ऐड हुआ है और मेडागास्कर ऐड हुआ, मॉरिशस ऐड हुआ, रियूनियन जो फ्रांस के नियंत्रण में है वो ऐड हुआ है इसमें, और सेशेल्स जो है इसमें शामिल हुए हैं जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे। तो ये इतने जो है यहाँ पे देश इसमें जो है हिंद महासागर इंडियन ओशियन कमीशन में जो है शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया है और कुछ क्षेत्रों के अनुसार नेपाल के हिस्सों के रूप में दर्शाया। नेपाल के हिस्से में प्रदर्शित भारतीय क्षेत्र शामिल हैं, कौन कौन से भारतीय क्षेत्र शामिल हैं? काला पानी हो गया, लिम्पिया दुरा हो गया, लिपलेख हो गया और सुक्ता हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काला पानी भी वो आपके यहाँ पे शामिल हो रहा होगा और लिम्पिया धुरा जो है शामिल हो रहा है, लिपलेख जो है ये जो है नेपाल के तीनों हिस्से जो है एक प्रकार से ये चर्चा में रहे हैं, ये भी शामिल हो रहे होंगे। ये चौथा भी, इसको भी शामिल कर लिया है नेपाल ने, सुस्ता इसको भी, इस क्षेत्र को भी नेपाल ने जो है यहाँ पे शामिल कर लिया है। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे होंगे इसी हिस्से को जो है अभी अभी नेपाल ने शामिल किया है। ये हिस्सा जो दिख रहा होगा आपको, इसमें जो है काला पानी आता है, लिम्पिया धुरा आता है और लिपलेख हिस्से जो आते हैं, और चौथा हिस्सा जो सुक्ता दिख रहा है, ये चौथा हिस्सा जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सुस्ता जो दिख रहा है ये चंपारण जिले के अंतर्गत आता है और इस पर जो है नेपाल ने अपने मानचित्र में इसको भी शामिल कर लिया है। धीरे धीरे इस पर जो है प्रभुत्व तो बढ़ा रहा है, हालांकि ये जो है अब नेपाल के अंडर में ही है, जैसा कि आप इस फिगर के अंतर्गत जो है आप इसमें देख सकते हैं सुस्ता जो है इसके लगभग अंडर में पहुंच चुका है नेपाल के अंडर में। ये चर्चा में रहे हैं, ये भी शामिल हो रहे होंगे। ये चौथा भी, इसको भी शामिल कर लिया है नेपाल ने, सुस्ता इसको भी, इस क्षेत्र को भी नेपाल ने जो है यहाँ पे शामिल कर लिया है। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका सही होता है वो डी वाला सही हो जाता है कि चारों जो हैं आपसे सही हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए ऐसे ही कुछ UPSC 2021-22 के लिए जो है कुछ आपके लिए नया हो सके। यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा, इसी हिसाब से मैं जो है आगे वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। यदि नहीं आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर पाते हैं इसको, तो मैं आगे वीडियो इस पर नहीं बनाऊंगा। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।